अल्हम्दुलिल्लाह मिन शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज दोस्तों, अगर हैज़ा की अलामात के बारे में हम बात करें तो हैज़ा की अलामात ये होती हैं कि अंतड़ियों में जरासीम के दाखिल होने के चंद दिनों के बाद मरीज़ को एकदम ज़बरदस्त मिकदार में पानी जैसे दस्त आने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही मरीज़ को ज़बरदस्त उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। पेट में दर्द नहीं होता है। जिस्म में से हर घंटे के अंदर 1 लीटर की मिकदार तक का पानी अंतड़ियों से खारिज हो सकता है, जिसके नतीजे में मरीज के जिस्म में पानी और नमकियात की सख्त कमी हो जाती है। अगर फौरन इलाज ना किया जाए तो मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, मरीज की नब्ज जो है वो कमज़ोर और तेज़ हो सकती है, जिस्म में सर्दी महसूस हो सकती है, मरीज़ की पिंडलियों और अजलात में खिंचाव महसूस होता है, मरीज़ का पेशाब कम हो जाता है या पेशाब आना बंद हो जाता है, मरीज़ को एसिडोसिस हो जाता है। ये अलामात जो हैं वो हैज़ा के मरीज़ पर देखी जा सकती हैं। अगर मरीज़ का इलाज ना किया जाए तो ये जो तकलीफ़ है कई हफ्ते तक रह सकती है और तकरीबन आधे मरीज जो हैं वो अगर इलाज ना किया जाए तो मर जाते हैं। अगर मरीज़ की नब्ज़ देखी जाए तो वो बहुत कमज़ोर नज़र आती है, बुखार नहीं होता है, आंखें अंदर को धसी हुई महसूस होती हैं, जिस्म में पानी की कमी महसूस होती है और जिल्द जो है वो ढीली पड़ जाती है। अगर उसको चुटकी भरी जाए तो वो ढीली होती है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, नब्ज तेज़ हो जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। मरीज़ के दस्त बिल्कुल पानी जैसे होते हैं, जैसे चावलों को उबालते हैं और उबालने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद पानी बचता है, इस तरह के सफ़ेद किस्म के पखाने आते हैं। और बच्चों में पोटाशियम की लेवल कम हो जाती है, दिल के अरिथमियाज जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और अगर ये इलाज ना किया जाए तो मरीज़ जो हैं वो मर सकता है। तो ये अलामात होती हैं हैज़ा की, और अगर ये अलामात आपको किसी मरीज़ में नज़र आती हैं तो उसका फौरन ही जो है उसका इलाज करना चाहिए। आगे वीडियो जो है वो मैनेजमेंट के बारे में है, कॉलरा मैनेजमेंट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।